आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फिर से बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में 992 नए मामले आए सामने। चार जिलों में सर्वाधिक मरीज आए सामने। गाजियाबाद में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 165 नए मामले सामने आए। लखनऊ में कोरोना के 150 नए मामले मिले। मेरठ में 24 घंटे में 102 नए मामले आए सामने। कोरोना ने प्रदेश में फिर पकड़ी रफ्तार, बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 992 नए मामले आए सामने। चार जिलों में सर्वाधिक मरीज आए सामने, बड़ी खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद में कोरोना के 174 नए मामले आए सामने। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 165 नए मामले आए सामने। लखनऊ में कोरोना के 150 नए मामले मिले। मेरठ में 24 घंटे में 102 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चार जिलों में सर्वाधिक मरीज सामने आए हैं कोरोना के। गाजियाबाद में कोरोना के 174 नए मामले मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 165 नए मामले आए सामने। लखनऊ में 150 नए मामले मिले। मेरठ में 24 घंटे में 102 नए मामले आए सामने। लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। 992 नए मामले आए सामने 24 घंटे में प्रदेश के अंदर। चार जिलों में सर्वाधिक मरीज सामने आए हैं। गाजियाबाद में 174 नए मामले मिले। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार की सख्ती, यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय फिर हुआ बदला। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। पहले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक था लागू। बदलते कोरोना संक्रमण पर फिर सरकार सख्त, यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय फिर बदला। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। पहले 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का था समय। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार की सख्ती लगातार जारी है। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय फिर बदला है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। पहले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक की थी समय। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सरकार की सख्ती, यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय फिर बदला। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कोरोना कर्फ्यू। पहले रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक की थी समय सीमा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 3 बजे से होगी प्रेस वार्ता। निर्वाचन नामावलियों के पुनरीक्षण पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर सामने आ रही है। जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी आज दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्वाचन नामावलियों की पुनरीक्षण पर होगी चर्चा। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम और रोडवेज अधिकारियों की बड़ी चूक आई सामने। ई बस संचालन कार्यक्रम के बैनर में कैबिनेट मंत्री का नाम गायब। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मण नारायण का नाम बैनर से गायब। बाकी सभी विधायक, सांसद, मेयर का बैनर में लिखा है नाम। राष्ट्रीय राजमार्ग की कई परियोजना का लोकार्पण। मौसी एयरपोर्ट के पास 7506 करोड़ की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद, बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कई परियोजनाओं का आज होगा लोकार्पण। अमौसी एयरपोर्ट के पास 7506 करोड़ की परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी रहेंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। राष्ट्रीय राजमार्ग की कई परियोजनाओं का आज लोकार्पण। अमौसी एयरपोर्ट के पास 7506 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। नितिन गडकरी एनएचआई की परियोजना का करेंगे
लोकार्पण। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सतर्क, बड़ी खबर सामने आ रही है, 10वीं क्लास तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल। टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सतर्क, बड़ी खबर सामने आ रही है, 10वीं क्लास तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल। टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी ने दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सतर्क, बड़ी खबर सामने आ रही है, 10वीं क्लास तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे यूपी में कक्षा 10वीं तक के स्कूल। टीम 9 के साथ बैठक में लिया यह बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त नजर आ रही है, एक और बड़ा फैसला लिया गया है, नाइट कर्फ्यू के साथ ही अब 10वीं क्लास तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। 14 जनवरी तक बंद रहेंगे यूपी में 10वीं तक के सभी स्कूल। जनपद में आज फिर फूटा कोरोना बम। गोरखपुर से एक खबर सामने आ रही है, कोरोना के 22 संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 39। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो जनपद में फिर फूटा है कोरोना बम। कोरोना के 22 संक्रमितों की हुई पुष्टि, बड़ी खबर सामने आ रही है, जब 22 संक्रमित मरीज मिले हैं कोरोना के। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 39। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जनपद में फिर फूटा है कोरोना बम। 22 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनकी पुष्टि हुई है बीते दिन, और कुल संक्रमितों की संख्या 39 हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जनपद में फिर फूटा कोरोना बम। गोरखपुर से एक खबर सामने आ रही है, कोरोना के 22 संक्रमित मरीजों की हुई पुष्टि। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 39। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पे 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश में। तो जनपद में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर कोरोना अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। जनपद में फिर कोरोना के मामले सामने आए हैं, एक साथ 22 नए मरीजों की पुष्टि हुई है गोरखपुर में। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता गोविंद कुशवाहा जुड़ चुके हैं। गोविंद, 22 नए मामले सामने आए हैं, क्या अभी भी जनता लापरवाह नजर आ रही है गोरखपुर में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से गोरखपुर की जनता लापरवाह बनी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के कोई भी घरों से नहीं निकल रहा है। बात है यहाँ जिला प्रशासन, तो जिला प्रशासन भी सख्ती अभी नहीं दिखा रहा है, इसलिए कल लगभग 11 महीने बाद 22 मरीज गोरखपुर में मिले। अब जनपद में यह मरीजों का आंकड़ा बढ़ चुका है और लगातार कोरोना के मरीज भी मिल रहे हैं, और लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। नए साल में भी लोग भारी संख्या में घरों से निकले थे, माना जा रहा है जो भीड़ भाड़ था उसी से ये कोरोना का जो ग्राफ है गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा है। जी, तो अब प्रशासन क्या कुछ तरीके अपना रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए, कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए? जी, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में अभी किस तरीके से प्रशासन ने कोई कड़ाई नहीं की है, तो बेधड़क बिना मास्क के आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है। हालांकि शासन का आदेश है मास्क लगा के दुकानों पर बैठे और नहीं करें, बावजूद इसके गोरखपुर का जिला प्रशासन अभी कड़ाई नहीं बरत रहा है। जी, अगर बात करें नाइट कर्फ्यू की, तो उसका कितना पालन किया जा रहा है गोविंद? नाइट कर्फ्यू की बात करें, नाइट कर्फ्यू का पालन गोरखपुर पुलिस 100% करा रहा है। 11 बजे के बाद जो भी सड़क पर लोग निकल रहे हैं उनका बाकायदे चालान किया जा रहा है, और कोविड प्रोटोकॉल के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। तो नाइट कर्फ्यू का पालन गोरखपुर में 100% हो रहा है। जी, और वैक्सीनेशन के लिए कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं? क्या अभी भी कुछ लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है? ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर जनपद में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो काफी तेज रही है, और लगभग अभी 70-75% लोग वैक्सीनेशन जो डोज है वो ले चुके हैं। तो गोरखपुर में वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो तेज। जिला प्रशासन भी तमाम तरह के प्रयास कर रही है, मोहल्लों में, स्कूलों में लगा के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गोविंद कुशवाहा जुड़े थे गोरखपुर से। योगी राज में बदमाशों के हौसले बुलंद, बलरामपुर से एक खबर सामने आ रही है। बलरामपुर में बदमाशों को नहीं रहा पुलिस का खौफ, जिले में एक साल के अंदर आधा दर्जन से अधिक हत्याएं आई सामने। बदमाशों ने पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या, गोली मारने के बाद पूर्व अध्यक्ष का रेता गला, बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएचसी तुलसीपुर में सपा नेताओं की भीड़ जमा है, बड़ी खबर सामने आ रही है। मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव, पुलिस बल सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद, बड़ी खबर सामने आ रही है। बलरामपुर से जहां योगी राज में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, बलरामपुर में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा है, बड़ी खबर सामने आ रही है। बलरामपुर से जहां जिले में एक साल के अंदर आधा दर्जन से अधिक हत्याएं की गई हैं, बदमाशों ने पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या कर दी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बलरामपुर से जहां गोली मारने के बाद पूर्व अध्यक्ष का गला तक रेता गया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे एससी तुलसीपुर में सपा नेताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, मौके पर पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव, बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस बल सहित आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे, बलरामपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जब बलरामपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, एक साल में आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं की जा चुकी हैं जिले में, बदमाशों ने पूर्व अध्यक्ष फिरोज पप्पू की भी हत्या कर दी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां गोली मारने के बाद पूर्व अध्यक्ष का गला रेता किया है। सीएचसी तुलसीपुर में सपा नेताओं की भारी भीड़ देखने को मिली, आला अधिकारी और पुलिस भी मौजूद रहे। मौके पर सपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर भी पहुंचे और पुलिस बल सहित आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आपस में भिड़े, फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो गुटों के विवाद में सरेआम फायरिंग हुई, दो गुटों के विवाद में हुई सरेआम फायरिंग, बड़ी खबर सामने आ रही है। प्राइवेट बस अड्डे पर फायरिंग से मचा हड़कंप, फायरिंग में एक युवक को लगी गोली, बड़ी खबर सामने आ रही है। जब फायरिंग में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, दोनों गुटों में एक बार पहले भी हुआ था विवाद, बड़ी खबर सामने आ रही है। घटना में शामिल तीन युवक हुए मौके से फरार, बड़ी खबर सामने आ रही है। फरुखाबाद से जो वर्चस्व को लेकर दो गुटों में फायरिंग हुई है, आपस में भिड़ गए दोनों गुट, दो गुटों के विवाद में हुई सरेआम फायरिंग, बड़ी खबर सामने आ रही है। जो फायरिंग हुई है दो गुटों के विवाद में सरेआम फायरिंग, प्राइवेट बस अड्डे पर फायरिंग से मचा हड़कंप। इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, क्या है पूरा मामला? जी, ये शहर कोतवाली क्षेत्र के कादरी गेट का मामला है, जहां पर पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर सरेआम फायरिंग हो जाती है, जिससे कि शहर में हड़कंप मच जाता है। जब जानकारी करने बताया गया कि युवक कार से आ रहे थे, तो वहां पर बाइक सवार युवकों ने उनको रोका और उनसे वाद विवाद हो गया, जिसके बाद उन पर गोली एक युवक को मार दी गई जो गंभीर रूप से घायल हो गया है, और सरेआम फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है शहर में। जी, तो कितने लोग घायल हुए हैं इस फायरिंग में? जी, इस फायरिंग में अभी एक युवक की गोली लगी, वो घायल है और वो निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। जी, क्या पहले भी इन दोनों गुटों में हो चुकी है भिड़ंत? जी, बीते दिन ही लगभग दोपहर में इन दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई थी, और जिस पर पुलिस ने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की, इसी कारण से बड़ी घटना हुई है। अगर पुलिस इस मामले को दिन में ही अच्छे तरीके से निपटा देती और पुलिस कोई उनको कार्रवाई कर देती, अगर उनको पाबंद कर देती, हो सकता था ये बड़ी घटना होने से बच जाती। जी सुंदरम, हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर दोनों गुटों में किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है? जी, ये यहाँ पर वर्चस्व की जंग है शहर में, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दोनों गुटों में ये भिड़ंत होती रहती है, और इस पर पुलिस अगर गंभीरता से इनको लेती तो हो सकता था ऐसी बड़ी घटनाएं ना होती। जी सुंदरम, किस जगह की घटना है और कितने बजे हुई ये फायरिंग? एक शहर कोतवाली क्षेत्र के कादरी गेट चौराहा, जो वहां पर चौकी है कादरी चौकी, उससे मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर मैन चौराहे पर घटना है, और शाम के लगभग 6 से 7 बजे की घटना है। जी सुंदरम, क्या उस मुख्य आरोपी का पता चला है जिसने फायरिंग की? जी, एक आरोपी वहां पर गिरफ्तार है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जी, तो कुल कितने लोग थे जिनके ऊपर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी पुलिस द्वारा?
पुलिस द्वारा वहां पर जो एप्लीकेशन मिलेगा उसमें लगभग 3 नाम बताए गए, उसके आधार कार्रवाई की जा रही है। और इसी मामले में देर रात्रि में फिर से एक बार फायरिंग हो गई थी, जिससे कि सवाल गैंगवार की आशंका जताई जा रही है। और पुलिस इसमें जो लचर कार्रवाई कर रही है, पुलिस की लचर कार्रवाई से शहर में गैंगवार की आशंका लगातार बनी हुई है। शहर कोतवाल दबंगों पे लगाम लगाने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। जी सुंदरम, दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए पुलिस क्या कदम उठा रही है? कोई कदम उठाया क्या पुलिस द्वारा या नहीं? अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। अगर प्रभावी कदम उठाया जाता तो इस मामले के होने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद फिर से जो शहर में एक बार फायरिंग हुई है इसी मामले को लेकर, तो वो ना होती। तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का डर नहीं, क्योंकि पुलिस का जो ढुलमुल रवैया है उससे जो है अपराधी भी बेखौफ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, पुलिस प्रशासन का अगर डर होता तो ऐसी घटनाएं निरंतर नहीं होती। ऐसा माना जा सकता है कि पुलिस प्रशासन का डर है जो वो दबंगों के अंदर से निकल चुका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता सुंदरम सिंह जुड़े थे। तो फायरिंग से एक युवक को गोली लग गई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई हुई है और जिसकी वजह से दोनों गुट आमने सामने आ गए और पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि जब पुलिस को इसकी शिकायत दी गई तो पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की और जिसके बाद 2 बार फायरिंग हुई है। 1 बार फायरिंग दिन में हुई, जिसके बाद शाम में फिर से फायरिंग हुई है और जब फायरिंग हुई तो उसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया इलाज के लिए। तो बड़ी खबर सामने आई फरुखाबाद से, जहां दोनों गुटों में विवाद हो गया, सरेआम फायरिंग हुई है और एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। प्राइवेट बस अड्डे पर फायरिंग से मचा हड़कंप, बड़ी खबर सामने आ रही है। एक युवक को लगी गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आई, जिले में फिर फूटा कोरोना बॉम्ब, एम्स की स्टाफ नर्स सहित 6 लोग कोरोना संक्रमित। एक साथ 6 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। जिले में फिर फूटा कोरोना बम्ब, रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, एम्स की स्टाफ नर्स सहित 6 लोग कोरोना संक्रमित। एक साथ 6 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। जिले में फिर फूटा कोरोना बम, एम्स की स्टाफ नर्स सहित 6 लोग कोरोना संक्रमित। एक साथ 6 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कोरोना अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है रायबरेली से, ये खबर सामने आई है जहां पे नर्स सहित 6 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जब ये मरीज मिले हैं तो इसके बाद कुल संख्या कितनी हो गई है जिले में कोरोना संक्रमितों की? जी हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है ये कोरोना विस्फोट हुआ है और जो है एम्स की नर्स सहित जो है वो 6 लोग कोरोना की रिपोर्ट की जब पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। जी, तो अब कितने संक्रमित हैं कुल जिले में? इस समय संक्रमितों की संख्या जो है वो 200 से लगभग ऊपर है। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं है, सब होम आइसोलेशन में रखे गए हैं, स्थिति गंभीर किसी की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ 6 मरीज मिलने से जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। जी, अगर बात करें रायबरेली की जनता की तो वो कितनी जागरूक दिख रही है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए? कहीं ना कहीं लापरवाही तो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, बाजारों में भी भीड़ हो रही है और जो कहीं ना कहीं नए साल का जश्न लोगों पर अब भारी पड़ता हुआ देखा जा रहा है। जी, अगर बात करें नाइट कर्फ्यू की तो कितना पालन करती हुई नजर आ रही जनता? नाइट कर्फ्यू रात वही 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लगाया जाता है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की जो दुरुस्त व्यवस्था रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिन में जो है वो सारी जो है दूर हो जाती है और लोग पुनः अपने काम पर लग जाते हैं और भीड़ में जो है बगैर मास्क के घूमते हैं। जी, अगर बात करें चुनावी माहौल की तो चुनावी माहौल है, रैलियां और जनसभाएं भी हो रही है, तो उसमें लोग क्या सतर्क नजर आ रहे हैं, मास्क लगाते नजर आते हैं या ऐसे ही लापरवाह नजर आ रहे हैं? नहीं, प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन तो जारी की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाही करते हैं, क्योंकि रैली और सभाओं में अक्सर बगैर मास्क के ही भीड़ पहुंचती है ट्रैक्टर टालियों से भरकर, जो कहीं ना कहीं कोरोना विस्फोट होने के संभावनाओं को और बल दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस
सरोकार।